हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर नंबर 7। सो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.3 को। सो क्वेश्चन 11 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे। सो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। सो क्वेश्चन 12 से लेकर 16 तक आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 12, इन अ गिवन फिगर ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक क्वाड्रेंट दिया है यहाँ पे, ये ओ ए सी बी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5। सो ये रेडियस हो गया इसका 3.5 सेंटीमीटर। इफ ओ डी, यहाँ पे दिया है ओ डी, यहाँ पे दिस इज गिवन 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का एरिया निकालना है। सो ये होगा 3.5 रेडियस है इसका, और दूसरा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा है? ये वाला। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, आसान है ये। हियर रेडियस दैट इज गिवन आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओडी का लेंथ दिया है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ठीक है। तो उसका एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये क्वाड्रेंट है इसलिए। सो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो पाई इस क्वेश्चन में क्या लेना है हमें, 22/7। सो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 3.5। सो कैन वी राइट 35/10 इंटू 35/10। थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। सो 90/360, सो 1, 5, 4, 2 और ये 11। बढ़िया। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो 11 × 5, सो दैट इज 55, और ये 1, और ये होगा 17.5। सो 17.5/100। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी। यहाँ पे पॉइंट, सो ये होगा 962.5/100। सो फाइनल आंसर विल बी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। सो अभी हमें चाहिए शेडेड एरिया। सो शेडेड एरिया के लिए ओ डी और बी, उसका एरिया ले लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 × ओ बी, कितना है यहाँ पे, ओ बी बेस होगा, ओ डी हाइट होगी। सो 1/2 × ओ बी दैट इज इक्वल टू 3.5, एंड ओ डी का वैल्यू कितना है 2। सो 2 से 2 कैंसिल कर दो। सो दिस विल बी सिंपल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया। सो अभी शेडेड एरिया, सेकेंड शेडेड एरिया, so that will be equal to area of quadrant OACB minus area of triangle ODB, area of triangle ODB, so that value will be 9.625 − 3.5. okay, so this will be 6.125 centimeter square. So area of the shaded portion that will be equal to 6.125 centimeter square. So जल्दी से इसका screenshot ले लो और इसे अपने copy में अच्छे से note down कर लो। चलिए अगला सवाल करते हैं, question number 13। So in the given figure a square
OSBC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. Use pi equal to 3.14. Okay, so यहाँ पे एक geometry दी है. It is like this. और यहाँ पे एक square है. यहाँ पे O, that is A, B, C. यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है. हमें शेडेड पोर्शन ये वाला है, इसका एरिया निकालना है. ठीक है, बढ़िया. ओ ए दिया है 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज गिवन 20 सेंटीमीटर. सो स्क्वायर ओ ए बी सी हियर, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, जहां पे ओ ए दैट इज इक्वल टू ओ बी दैट इज ओ सॉरी ओ ए नॉट OB, that will be AB, फिर BC और OC, सबका वैल्यू क्या आएगा 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 20 है, ये 20 स्क्वायर है, इसलिए सभी साइड्स इक्वल होंगे. बढ़िया, अभी हमें ये शेडेड पोर्शन निकालना है. तो शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ. यहाँ पे क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट और ये स्क्वायर है. सो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा. अभी देखो क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं दिया है हमारे पास, इस क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं है, तो रेडियस बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे, यहाँ पे राइट एंगल मान लो स्क्वायर है और जॉइन ओबी, ओबी को जॉइन कर दो. सो दैट विल बी एक्चुअली योर रेडियस हियर. एज यू कैन सी ओपी इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओक्यू दैट इज इक्वल टू रेडियस दैट इज इक्वल टू आर. ओके, यहाँ पे लिखना है, लिख सकते हो जॉइन ओबी. बढ़िया, अभी इन ट्राइंगल बी ए ओ, इन ट्राइंगल ओ ए बी ले लो, ओ ए बी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो देयरफॉर ओ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम. सो देयरफॉर ओ बी स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है 20, 20 स्क्वायर प्लस ये होगा 20 स्क्वायर, सो आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू यू कैन से 2 इंटू 20 स्क्वायर, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो 400 दैट विल बी 800. ओके, सो आर विल बी इक्वल टू 20√2. ओके, सो आर का वैल्यू क्या आएगा 20√2 सेंटीमीटर. आर विल बी इक्वल टू 20√2. ठीक है, इसका रूट निकालो तो भी वही आएगा, आर इज इक्वल टू √800. So you can write it like this, 400 into 2, so R equal to 20√2, iska 20 aur ye as it is. So this is actually our radius, that is what we are getting, 20√2 centimeter, right? So abhi, one by one area nikal lo. Area of quadrant OPBQ. सो दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, या फिर पाई आर स्क्वायर बाय 4 डायरेक्टली लिख लो. यहाँ पे पाई लेना है 314 बाय 100 इंटू वॉट इज आर दैट इज 20√r², सो यू कैन डायरेक्टली राइट आर स्क्वायर बट लेट्स प्रीफर 20√2 इंटू 20√2. यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिवाइड बाय 360, तो 314 इंटू 100, ये देखो 90, ये 1 और ये 4, यहाँ 20 और 20 और √2 × √2, सो दैट विल बी 2/4. ठीक है, सभी कैंसिल हो गया वैल्यूज, सो दिस विल बी 314 × 2, यहाँ पे कितना बचा 314 × 2, सो दैट विल बी 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ दैट वी आर गेटिंग. फिर नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा है ओ ए बी सी, सो दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर. ठीक है, ये सब एल का वैल्यू है, एल सो 20, सो 20 स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया
रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, सो उसका वैल्यू क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। तो ओ पी बी क्यू उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 628 माइनस 400, ठीक है, सो आंसर विल बी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द शेडेड एरिया। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, सी द गिवन फिगर। इफ एंगल ए ओ बी दैट इज गिवन 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल टू 22/7। सो यहाँ पे एक ज्योमेट्री दी है, फिगर दी है, तो यहाँ पे है ए बी, ये है सी डी, यहाँ पे दिया है ई, ये है 30 डिग्री ओ, सो ए ओ बी दैट इज गिवन 30 डिग्री, इसका रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सो ये है शेडेड रीजन ये वाला, ओके, काफी आसान है, ऐसा सवाल पहले भी आया था। सो हियर लेट स्मॉलर रेडियस दैट बी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लार्जर रेडियस दैट इज कैपिटल आर बीइंग 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, सो हियर एंगल दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर देखो शेडेड एरिया हमें चाहिए, ठीक है, सो एरिया शेडेड, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ बी ए ओ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ डी सी ओ, ठीक है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट योर फाइनल आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360, सो दिस इज पाई थीटा बाय 360 इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सो पाई का वैल्यू रख दो 22/7, थीटा दैट इज गिवन 30 डिग्री, योगा 360, कैपिटल आर स्क्वायर सो दैट इज 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 22/7 इंटू 1/12, योगा देखो 21 माइनस 7 और 21 प्लस 7, सो दिस विल बी 22 इंटू 21 माइनस 7 सो दैट इज 14, 21 प्लस 7 सो दैट इज 28 अपॉन 7 इंटू 12, ये 1 जा 2, 2 1, 6, 3, 11, सो 28 इंटू 11 308 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो रहा है 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ गिवन फिगर ए बी सी इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद डायमीटर एस बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पाई 22 अपॉन 7। यहाँ पे ऐसे एक फिगर दी है, सो हियर इट इज ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे ये एक क्वाड्रेंट है ए बी सी,
और बी सी एज ए डायमीटर एक सेमी सर्कल बनाया उसके ऊपर, यहाँ पे शेडेड एरिया है ये वाला। ओके सो हमें रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 14 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो बी 14 सेंटीमीटर। सो अगर हमें शेडेड एरिया चाहिए, ठीक है, सो बी सी एज ए डायमीटर, सो सबसे पहले बी सी को फाइंड करना पड़ेगा। सो हियर रेडियस ऑफ क्वाड्रंट ए बी सी, सो दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, यू कैन से ए सी इज इक्वल टू ए बी, सो देयर फॉर आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ओवर हियर। ठीक है, क्वाड्रंट के लिए रेडियस क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अभी पाइथागोरस थ्योरम से बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट विल बी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थियोरम। ओके सो बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, सो बी सी स्क्वायर दैट इज गेटिंग ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर, सो बी सी कितना होगा 14 रूट 2 सेंटीमीटर। सी बी सी का वैल्यू कितना है 14 रूट 2 सेंटीमीटर। नाउ कंसिडरिंग यहीं पे लिख लेते हैं नीचे। नाउ कंसिडरिंग बी सी एज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, सो रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेडियस कितना है बी सी बाई टू, सो आर इज इक्वल टू बी सी कितना होगा 14 रूट टू बाई टू, सो दैट विल बी 7, सॉरी यहाँ पे रूट टू, सो आर विल बी इक्वल टू 7 रूट टू सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल। सो अभी यहाँ पे देखो हमें सेमी सर्कल में से सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है पूरा, उसमें से ये सेगमेंट हमें निकालना है, तभी जाके हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। तो सेगमेंट के लिए क्या है क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल, सो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू ए सी कितना है दोनों 14 है, ठीक है दोनों 14 है, सो दिस विल गेट 196 बाय 2 योगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी सो दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 या डायरेक्टली लिख लो पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे पाई हमें यूज करना है 22/7। रेडियस ऑफ दैट क्वाड्रेंट दैट इज 14, सो 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है थीटा, थीटा दैट विल बी 90 योगा 90 अपॉन 360 1 4 7 1 2 2, सो 22 इंटू 7 सो दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया क्वाड्रेंट के एरिया, बढ़िया है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो 154 माइनस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। सो फाइनली अवर शेडेड एरिया, फॉर शेडेड एरिया वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट सेमी सर्कल एज वेल, सो नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा पाई, एंड नाउ यू नीड टू टेक दिस रेडियस। ओके
कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, सो 22 बाय 7 इंटू रेडियस क्या है 7√2 इंटू 7√2 अपॉन 2, तो 7 से 7 को काट दो और √2 √2 और ये 2 खत्म, ठीक है, √2 × √2 दैट विल बी 2 और 2 से 2 ये कट हो जाएगा, सो 22 × 7 सो दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो required shaded area, so that will be equal to area of semicircle minus area of segment, so area of semicircle कितना हो रहा था 154 minus area of segment that is 154 minus 98, so this is 154 minus 154 plus 98, 154 हो गया खत्म और आंसर बन गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ओके, तो अच्छे से देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 आगे देखते हैं। चलिए आखिरी सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहां पे दो क्वाड्रेंट है, उसके बीच में एक ऐसा क्वाड्रेंट है और दूसरा ऊपर से ऐसा है, तो उसके बीच में यहां पे एरिया दिया, उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, सो नाम दिए यहां पे ए बी सी डी और इसका साइड है 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे लाइट कर लो, ये पॉइंट मान लो पी है, ये पॉइंट मान लो क्यू है, बढ़िया, सो अभी देखो ये दोनों सेगमेंट है, अगर इसको हाइड कर दो, ठीक है, सो दैट विल बी अ सेगमेंट, इट विल लुक लाइक दिस, सी वैसा दिखेगा, ए यहां पे पी, ये सी और यहां पे डी, ये सेगमेंट है, ऐसा दूसरा सेगमेंट नीचे से, ठीक है, सो अगर ये सेगमेंट आपको मिल जाए इंटू टू कर दो तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 8 सेंटीमीटर ये जो होगा उसका रेडियस, सो हियर रेडियस दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहां पे सेक्टर डी सी पी ए, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई वी नीड टू टेक 22/7, रेडियस दैट इज 8 × 8 90 एंड दिस विल बी 360, सो दिस विल बी 22 × 16/7, this is 352 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज डी सी ए, सो हाफ बेस इंटू हाइट, सो डी सी इंटू डी ए, सो हाफ × 8 × 8, so this is 32 centimeter square, so this is the area of triangle DCA, so area of minor segment, so that is equal to area of sector minus triangle, so area of minor sector that is DCPA
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ए। सो ये क्या है, 352/7 माइनस 32। ओके, So 352 minus 224 by 7। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 352 224 128। सो दिस इज 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये सेगमेंट है ऊपर का, उसका एरिया कितना है, 128। दिस विल ऑल्सो बी लाइक दिस, देख लो, ये बी, ये सी और ए, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये ए सी के ऊपर, ये ए सी के नीचे, ठीक है, दोनों सेम सेगमेंट्स ही है। सो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया दैट विल बी 2 × एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। So 2 × you can write 128/7. So this is getting 256/7 cm². ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बढ़िया, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे से। सो यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। सो 12.1, 12.2 एंड 12.3 एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व, राइट। सो इसी के साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।